यौन शोषण के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा मिली है, तो वहीं सवाल यह है कि अब आसाराम की विरासत कौन संभाल रहा है। आपको बता दें कि आसाराम के पास आलीशान बंगले हैं, 400 से अधिक आश्रम हैं, 40 से अधिक स्कूल, सैकड़ों एकड़ जमीन, कारोबार, करोड़ों के बैंक बैलेंस। एक आंकड़े के मुताबिक आसाराम की संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कौन उसके साम्राज्य को संभाल रहा है। आसाराम का बेटा नारायण साईं भी कानून के शिकंजे में है। दुष्कर्म, मारपीट और हत्या के आरोप जैसे कई मामले उसके खिलाफ चल रहे हैं। फिलहाल वह पिता की तरह ही जेल में बंद है और जेल से निकलने की संभावना भी कम ही नजर आ रही है। ऐसे में अब आसाराम की बेटी भारती श्री ने दागदार विरासत को संभाले रखा है। उसके निर्देश के अनुसार आश्रम कारोबार चल रहे हैं। जाहिर है कि 2013 में आसाराम के खिलाफ लगे दुष्कर्म के आरोप के बाद उसकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती श्री को भी गुजरात की सूरत से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि दोनों को बाद में जमानत मिल गई। भारती श्री और लक्ष्मी देवी पर दुष्कर्म केस में आसाराम और साईं की मदद करने के आरोप लगे थे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।